दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई दो मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से शानदार तरीके से फतह हासिल करने के बाद अब भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 7 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा दौरा होने वाला है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने मिलकर इस पूरे के पूरे दौरे की A to Z हर इंफॉर्मेशन को रिवील कर दिया है। ऐतिहासिक टेस्ट महामुकाबले के बाद भारत और इंग्लैंड T20 फॉर्मेट में आमने सामने होंगे। 3 मैचों की T20 सीरीज होगी और फाइनली उस T20 सीरीज के लिए भी BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, भारत की 18 सदस्यीय यहां पर टीम चुनी गई है। टीम में हमें काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड्स को पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज के पूरे शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में। तो 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 महामुकाबला हमें 7 जुलाई को साउथहैम्पटन के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा T20 मैच 9 जुलाई को बर्मिंघम के स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा T20 मैच हमें 10 जुलाई को नॉटिंघम के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि पहला T20 मैच हमें भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे से देखने को मिलेगा और दूसरा व तीसरा T20 मैच हमें भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से लाइव देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी बड़े अपडेट्स के बारे में जो यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है कैप्टन को लेकर। जी आप सभी को पता है कि फिलहाल टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा COVID-19 पॉजिटिव है, जिसके चलते भाई ऐतिहासिक टेस्ट महामुकाबले में उनका पार्टिसिपेट कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन T20 सीरीज में भी उनके पार्टिसिपेशन के ऊपर लगातार यहां पर सवाल उठे हुए हैं। हालांकि कुछ सोर्सेज ऐसा क्लेम करें कि फर्स्ट T20 महामुकाबले में हार्दिक पांड्या में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय टीम में कमबैक कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है KL राहुल को लेकर। जी हां, KL राहुल फाइनली अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो चुके। टिल नाउ जो सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि KL राहुल यहां पर सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली अवेलेबल रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो आप सभी लोगों को बताना है चाहूंगा कि सभी सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सभी सीनियर खिलाड़ी फाइनली यहां पर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में इस सीरीज में कमबैक करने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि टिल नाउ जो अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल जो भारत की टीम आयरलैंड के दौरे पर गई थी, बिल्कुल सेम टू सेम टीम हमें फर्स्ट T20 मैच में देखने को मिले। उसके बाद भाई सेकंड और थर्ड T20 मैच के लिए अलग से टीम का ऐलान किया जाएगा। तो चलिए भारतीय टीम के प्रोबेबल स्क्वाड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो टीम इंडिया यहां पर 6 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है, जो यहां पर है कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और KL राहुल। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की। तो भाई 2 विकेटकीपर बल्लेबाज यहां पर मौजूद होंगे, जो है ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो भाई 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स यहां पर मौजूद होंगे, जो है हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल। अंत में हम बात करते हैं गेंदबाजों की। तो भाई 6 प्रॉपर गेंदबाज यहां पर मौजूद होने वाले हैं, जो यहां पर है युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, हर्षल पटेल और आवेश खान। तो दोस्तों, कुछ ऐसी 18 सदस्यीय टीम हमें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेकंड और थर्ड T20 महामुकाबले के लिए देखने को मिल सकती है। फर्स्ट T20 मैच के लिए बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 जो आयरलैंड के खिलाफ थी, बिल्कुल सेम टीम के साथ हमें भारतीय टीम यहां पर उतरती हुई नजर आने वाली है। लेकिन आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी सीरीज की चैंपियन, भारत या फिर इंग्लैंड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल के छोटे मजे इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।